रायबरेली जिले के नगर पंचायत परसदेपुर में चल रही रामलीला में शनिवार को अशोक वाटिका में रावण सीता संवाद, हनुमान जी की माता सीता से भेंट व हनुमान जी को बंदी बनाने का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। हम आपको बताएं, रामलीला में अशोक वाटिका बनाई गई थी जिसमें माता सीता बैठी हुई थी। यहां पर त्रिजटा राक्षसी होते हुए भी माता सीता के हितचिंतक थी। वो बार बार माता सीता को दिलासा भी देती रहती है। उसके बाद अशोक वाटिका में रावण सीता के बीच संवाद हुआ। माता सीता रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं और उसे अपने प्रयास में सफल नहीं होने देती। रावण सीता संवाद के बाद हनुमान जी की माता सीता से भेंट होती है। हनुमान जी माता सीता को प्रभु श्री राम की ओर से अंगूठी देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु श्री राम ने उन्हें उनकी खोज में भेजा है। इसके बाद भूख लगने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फलों को तोड़कर खाने लगते हैं, साथ ही अशोक वाटिका में उत्पात मचा देते हैं। सैनिकों द्वारा सूचना मिलने पर रावण अपने छोटे पुत्र अक्षय को भेजता है, लेकिन हनुमान जी उसे भी मार देते हैं। पुत्र वध की जानकारी होने पर रावण बहुत क्रोधित होता है और अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है। उसके बाद हनुमान जी व मेघनाथ के बीच युद्ध का मंचन किया गया। जीतने में असफल रहने पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को मूर्छित कर पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर रावण के पास ले गए। यहां पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं। हम आपको बताएं, राम की भूमिका जयदीप मिश्रा, लक्ष्मण की समर दीक्षित, सीता की राम मिश्रा, हनुमान की ब्रजेश मिश्रा व रावण की आशीष मिश्रा ने निभाई। रामलीला के मंचन में घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर राम प्रकाश, राजेंद्र कुमार मौर्य, रिंकू मिश्रा, राम बकस, श्रीकांत त्रिवेदी, भरत मिश्रा, मनोज कुमार आदि की विशेष भूमिका रही। नीरज श्रीवास्तव, S7 न्यूज। रामलीला में आज रावण की फुलवारी में अशोक वाटिका में यानी हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, लंका का दहन किया,